तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम जा रहे हैं गौशाला मेला, गौशाला मेला देखने के लिए। तो अभी हम महेशकूट में हैं, गौशाला मेला खगड़िया में लगता है, तो चलिए हम चलते हैं। तो अभी हम टेम्पो से निकल चुके हैं गौशाला मेला की ओर। जब आपको गौशाला मेला पहुंचते तब दिखाते हैं गौशाला मेला में क्या क्या और क्या क्या नया नया चीज आए हैं, और उसके बारे में आपको बताते हैं डिटेल में। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। तो हाँ दोस्तों, हम लोग अभी गौशाला मेला पहुंच चुके हैं। तो अभी गौशाला मेला के अंदर जा रहे हैं। तो गौशाला मेला का भी शुरुआत ही हुआ रहा है। तो हम 22 तारीख को आए हैं और ये मेला अभी 30 तारीख तक रहेगा। तो अब हम मेला में आ चुके हैं, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। हाँ, बहुत सारी मेला में लगा हुआ है। पहली बार आए हैं मेला, इतना कुछ खास पता नहीं मेले के बारे में। चलिए धीरे धीरे जानते हैं इस मेले के बारे में। यहाँ पे तो बहुत सारे झूले दिख रहे हैं। एक तारा माची, दो, तीन तीन राम झूला। इक्कीस तारीख से मेला चालू हुआ है, जो मेला का दूसरा दिन है, इसीलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। खगड़िया का सबसे फेमस मेला में से एक ये मेला है। तो भीड़ होगा तो आएंगे, तो आज आए हैं घूमने के लिए। दीदी भी आ रही है इसलिए। यहाँ बहुत तरह के नए नए झूले भी आए हैं लगता है, मगर अभी तक तो दिखा नहीं है। देखते क्या दिखता है कि नहीं दिखता है। मेला भी लग ही रहा है, बहुत जल्दी हमको लगता है हम आ गए हैं। तो इस बार मेला में बहुत कुछ नया तो नहीं दिखा, सब पुराना ही है जो जो देखा हुआ है। बस एक चीज नया दिखा जो आपको दिखाएंगे बाद में। तो अभी हम चाट खाने आए हैं, तो अभी बन रहा है चाट, तो इंतजार कर रहे हैं। दीदी भी पहुंच गई आप मेला। दो दिन में आ गया, आप इसके साथ हम मेला घूमेंगे। चलो मेला घूमेंगे अपना दोनों, वो सब कुछ छोड़ दो अपना दोनों। मेला क्या क्या लेगा मेला बताओ, बताओ क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ। नया झूला लग रहा है, देख के डर लग रहा है, क्या जाएंगे उस पर। ₹80 टिकट है राम झूला का। तो हम और जीजा जी जा रहे हैं झूला झूलने के लिए। कुछ ऐसा लगता है गौशाला मेला, अभी तो शुरुआत ही है गौशाला मेला का। जीजा जी डर भी लग रहा।
तो हम बैठ चुके हैं राम झूला पे, अब स्टार्ट होगा तो देखते हैं, डर भी लगता है। स्टार्ट हो चुका है, डर भी लगता है, पता नहीं यहाँ पर डर लगने लगा। तो देखिए ये है कुछ गौशाला मेला, देखिए कुछ ऐसा दिखता है गौशाला मेला, शुरुआत में ही ऐसा है, कितना बड़ा ग्राउंड है इसका। तो हम अभी सबसे बड़ा तारामाची पे चले हुए हैं गौशाला मेला के। जीजा जी को डर लगने लगा था पूरा इसमें। हालत खराब कर दिया। तो टिकट ले लिए, आप जा रहे हैं इसमें झूलने के लिए, पता नहीं पहली बार झूल रहे हैं, डर लगेगा। लीजिए भैया। तो चलो हम अकेले ही हैं अभी, कोई तो है नहीं झूलने के लिए, अकेले झूलेंगे, मजा आएगा अकेले झूलने में। उस सबको डर लगता है इसीलिए नया ही हम अकेले झूलेंगे। अकेले है सिर्फ इस झूला पे, क्योंकि मेरे साथ डर किसी में नहीं है, और कोई मेला में इतना दम नहीं है कि झूला झूलेगा, अकेले हम झूल रहे हैं इस झूला पे। लेकिन कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं है। अकेले इस पे फर्स्ट टाइम, डर लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं। अरे तो नहीं जा रही है भैया, बुढ़ गई तो डर लग गया भैया, बोले धीरे
स्पीड करने इतना स्पीड किए कि हालत खराब कर दिया ही। तो झूला वाला से मजाक मत किया कीजिएगा, ऐसा झूला झुलाएगा ना कि आपको याद आ जाएगा झूला झूलना। सला मेला का हमको लगता है सबसे खतरनाक झूला यही होगा, इसके सिवा हमको नहीं लगता कोई खतरनाक होगा। हालत खराब कर दिया, नहीं तो झूल ले जा रहा है, घूम ले जा रहा है, घूम ले जा रहा है। रुकिए हो भैया, आप उतरे गए। हे भैया मजा आ गया मगर। दीदी तुम्हारा निशाना देखते कैसा है, मारो देखते हैं। लाल वाला पोड़ो, लाल वाला। वाह इधर देखो, अभी मेला का शुरुआत नहीं हुआ है इसलिए बहुत सारा दुकान नहीं लगा हुआ है। फिर होगा तो आएंगे मेला घूमने के लिए, तो आपको दिखाएंगे पूरा ब्लॉग मेला से। दीदी भारी भी लग रहा है, उठा ले। तो गौशाला मेला हम घूम लिए, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो घर जाने में हो जाएगा रात, फिर आपको और कुछ दिखाना होगा तो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे कोई और नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तो अब हम स्टेशन आ चुके हैं, तो अब देखे तो मोबाइल पे तो ट्रेन था एक कटिहार से इंटरसिटी, तो इसी से चल जाएंगे घर।